जय बजरंगबली, यह वीडियो दुनिया के उन 5% लोगों के लिए है जिन्हें एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट है। आज हम भारत के अति प्राचीन व्यायाम के बारे में सीखने वाले हैं, मुग्धर व्यायाम के बारे में। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओवरहेड मुग्धर पुश पुल के अभ्यास में हमें एल्बो को बेंड करके दोनों मुग्धर को पीठ के पीछे लेके जाना है और उसी पोजीशन में पीठ के पीछे से सामने की तरफ खींचना है। इस अभ्यास में ध्यान रखना है कि मुग्धर आगे और पीछे लेते वक्त ध्यान रखना है कि मुग्धर से हमें पीठ में और सर में चोट ना लगे। हाथों पे पूरा कंट्रोल करके सर के पीछे मुग्धर छोड़ना है और आगे के साइड में खींचना है। यह अभ्यास करते वक्त हमें ध्यान देना है कि कम वजन के मुग्धर से हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। अगर ज़्यादा वेट के मुग्धर से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो हमें चोट लग सकती है। सर के पीछे मुग्धर जाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि पीठ में और दोनों मुग्धर में थोड़ा सा गैप बना रहे। अगर ये गैप बना नहीं रहा तो हमें पीठ में चोट लग सकती है। अल्टरनेट ओवरहेड स्विंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि बॉडी का पूरा बैलेंस बना के रखना है। बॉडी का बैलेंस बना के रखने के बाद हमें हाथों को, दोनों हाथों को बॉडी से चिपका के रखना है ताकि दोनों मुग्धर सीधे रहे। दोनों मुग्धर का बैलेंस बनाए रखना है। बॉडी का बैलेंस जितना अच्छा रहेगा उतना ही मुग्धर घुमाने में आसानी होगी। राइट हैंड का मुग्धर घुमाते वक्त ध्यान रखना है, मुग्धर उतारने के बाद लेफ्ट साइड के कंधे के ऊपर से और सिर के ऊपर से पीठ के पीछे लेके जाके फिर सामने की ओर मुग्धर लाना है। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड के मुग्धर को राइट साइड के कंधे के और सर के ऊपर से पीठ के पीछे से सामने की ओर लाना है। मुग्धर घुमाते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोर को एंगेज करके रखना है। पूरी एकाग्रता से हमें दोनों मुग्धर का बैलेंस बना के रखना है। मुग्धर का बैलेंस अगर रख नहीं पाए तो हमें मुग्धर पैर के ऊपर लग के चोट लग सकती है। इस अभ्यास से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसी के साथ में आपका कोर स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ आपके आर्म्स और शोल्डर भी मजबूत होंगे। इसका अभ्यास करते वक्त हमें ध्यान देना है कि कम वजन के मुग्धर से हमें इसका अभ्यास चालू करना है। बोथ हैंड्स मुग्धर स्विंग, यह अभ्यास थोड़ा कठिन है। इस अभ्यास में आपको बॉडी का पूरा बैलेंस बना के रखना है, कोर को एंगेज करके रखना है, दोनों मुग्धर को साथ में घुमाना है। दोनों मुग्धर को एक साथ सामने से घुमाते हुए पीठ के पीछे लेके जाना है और फिर सामने लाना है। आप इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हो। मुग्धर को हमें बॉडी के नज़दीक से घुमाना है। मुग्धर को हमें अच्छे ग्रिप से पकड़ना है ताकि मुग्धर हमारे बॉडी से टकरा के हमें चोट ना लग जाए। आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक के बाद एक घुमा सकते हो। इस अभ्यास से आपका कोर स्ट्रांग होगा, आपका हाथों का ग्रिप मजबूत होगा, पीठ मजबूत होगी। कंधे, आर्म्स, फोरआर्म्स, लेग्स की मजबूती बढ़ेंगी
स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। आपके कुछ सुझाव हो तो वो भी कमेंट करो। थैंक यू।